नमस्कार, मैं सुवर्णा। नए टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। फेसबुक की स्वामित्व वाली कंपनी व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव करने का फैसला किया है। व्हाट्सएप के नए नियम और शर्तों के चलते यूजर्स अब व्हाट्सएप को छोड़ने का मन बना रहे हैं। यूजर्स में नाराजगी है और वे अब व्हाट्सएप के विकल्प को तलाशने में लग गए हैं। यही वजह है कि व्हाट्सएप के विकल्प टेलीग्राम और सिग्नल को यूजर्स पसंद कर रहे हैं। इन दिनों इन मैसेजिंग ऐप पर लगातार यूजर्स की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। अब वे सिग्नल और टेलीग्राम जैसे ऐप्स को डाउनलोड कर रहे हैं। टेलीग्राम के फाउंडर ने कहा, यूजर्स का करे सम्मान। इस बीच शनिवार को टेलीग्राम के फाउंडर और सीईओ पावेल डुरो ने सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी फेसबुक को फटकार लगाई। उन्होंने अपने ब्लॉग में कहा है कि ये कोई आश्चर्य नहीं है कि कई सालों से चल रहे टेलीग्राम पर व्हाट्सएप के यूजर्स में तेजी देखी गई है। डुरो ने कहा, फेसबुक की पूरी टीम इस तलाश में जुटी है कि आखिरकार टेलीग्राम पर यूजर्स की संख्या कैसे बढ़ती जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा, यूजर्स का सम्मान करना चाहिए। टेलीग्राम पर लगभग 500 मिलियन यूजर्स का बढ़ना फेसबुक के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। सिर्फ टेलीग्राम ही नहीं, मैसेजिंग ऐप सिग्नल पर भी लगातार यूजर्स की संख्या में इजाफा हुआ है। सिग्नल ऐप का सर्वर हुआ ओवरलोड। हाल ही में टेस्ला के फाउंडर और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने मैसेजिंग ऐप सिग्नल यूज करने की अपील की, जिसके बाद से सिग्नल पर यूजर्स लगातार बढ़ रहे हैं। इसके बाद सिग्नल ऐप को एक साथ इतने वेरिफिकेशन स्कोर्स भेजने पड़े कि उसका सर्वर ओवरलोड हो गया। सिग्नल ऐप ने कहा कि ढेर सारे नए यूजर्स के प्लेटफॉर्म पर आ जाने की वजह से उन तक वेरिफिकेशन कोड पहुंचने में वक्त लग रहा था। इस ग्लिच को अब ठीक कर दिया गया है और नए यूजर्स बिना किसी दिक्कत के अपना अकाउंट बना सकते हैं। केंद्र सरकार ने शनिवार को कहा कि देश में कोविड-19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी को शुरू होगा और इस दौरान करीब 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों एवं अग्रिम मोर्चे पर कार्यरत कर्मियों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोविड-19 की परिस्थितियों और तैयारियों की समीक्षा किए जाने के बाद ये निर्णय लिया गया। सरकारी बयान के मुताबिक विस्तृत समीक्षा के बाद ये निर्णय लिया गया कि आने वाले त्योहारों लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बिहू आदि के मद्देनजर कोविड-19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी 2021 से शुरू होगा। इसके मुताबिक स्वास्थ्य कर्मियों एवं अग्रिम मोर्चे पर कार्यरत कर्मियों के बाद 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और 50 वर्ष से कम आयु के उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जो कि पहले ही अन्य बीमारियों से ग्रसित हैं, जिनकी संख्या करीब 27 करोड़ है। सरकार ने कहा, राष्ट्रीय नियामक ने 2 टीकों कोविशील्ड और कोवैक्सीन को आपातकालीन उपयोग संबंधी मंजूरी अथवा 23 स्वीकृति प्रदान की है, जो कि सुरक्षा एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने में सक्षम पाए गए हैं। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।